मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में पास हुए हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न संपत्ति पूर्ति विधेयक पास होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो वो ठीक नहीं है। बता दें कि मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात रखने और धरना देने की बात ठीक है, लेकिन इसकी आड़ में हिंसा की छूट नहीं है। उन्होंने कहा कि आईपीसी में सजा का प्रावधान है, लेकिन इसमें नुकसान की भरपाई का प्रावधान नहीं है, और यदि है भी तो वह काफी लंबा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का किसान आंदोलन या कृषि कानून से लेना देना नहीं है। विपक्ष द्वारा इस विधेयक का विरोध करने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विरोध के पीछे विपक्ष की मानसिकता है कि ये किसानों के आंदोलन को लेकर लाया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वाले के मन में डर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष निराधार बात करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी पत्रकारों से रूबरू हुए। सुनिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आखिर क्या कुछ कहा। देखिए मित्रों, वैसे तो ये कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णयों में इस प्रकार की बात हमेशा कही है कि किसी भी, चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी हो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अपना एक मलकियत होती है, एक व्यक्तिगत रूप से आदमी की, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी स्टेट की होती है। इसी प्रकार पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी एक व्यक्ति के नहीं होती, लेकिन उस पर भी अधिकार है, तो प्रदेश की 2.75 करोड़ जनता का उसके ऊपर अधिकार है। कोई भी प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो किसी ना किसी का लॉस होता है। लॉस करने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो अपनी किसी ना किसी एक गलत काम के द्वारा किसी प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को अपनी बात कहने के लिए छूट है, कोई प्रदर्शन करना उसमें छूट है, कहीं भी कोई धरना देना है इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि कोई किसी प्रॉपर्टी का नुकसान करे। हालांकि इस प्रकार अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने वालों के खिलाफ आईपीसी की बहुत सी धाराएं हैं जिसमें ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है, सज़ा होती है, उसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है, लेकिन उस धारा में कहीं भी किसी के नुकसान की भरपाई, यानी जो सिविल लायबिलिटी आनी चाहिए किसी व्यक्ति को गलत काम करने के लिए, वो उसमें नहीं है। और अगर कहीं है भी सही तो उसके प्रोसीजर बहुत लंबे हैं। तत्काल किसी का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की जिम्मेवारी किसी के ऊपर डाली जाए, इस प्रकार का ये एक्ट था। इन लोगों की शंकाएं निराधार हैं कि शायद ये किसान जो 3 कानून का विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ ये किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कानून का 3 कानूनों के विरोध करने वाले हमारे किसान बंधुओं के साथ बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना या नुकसान हुआ तो उसको उसका मुआवजा दिलवाना ये सरकार का काम है, इसलिए हमने उस एक्ट को पारित किया। कांग्रेस मानती तो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो उसका विधेयक का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के पीछे उनकी एक मानसिकता है कि उनको ये लगता है शायद ये कानून केवल किसानों के खिलाफ आया है। हमने बार बार उसमें बताया गया कि इसका किसानों वाले इस विषय को लेकर के कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन चाहे वो इस समय, चाहे इससे पहले, चाहे इससे आगे कोई इस प्रकार की हरकत करे जिससे किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो, तो ऐसे आदमी के दिमाग में अनलॉफुल जो एक्टिविटी है उसके दिमाग में एक डेटरेंस ये तो बैठना ही चाहिए। उनका कहना यह है कि आप लोगों ने डेटरेंस की जो बात की है ये गलत है। हमारा कहना है कि कोई भी क्राइम करता है, कोई भी अपराध करता है, ऐसे व्यक्ति के मन में एक भय का बोध होना ही चाहिए। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, और यही हेतु होता है। इसलिए उनको केवल अपना कुछ अखबारी महत्व कह लें, प्रचारात्मक महत्व कह लें, एक निराधार बात कह करके अपने एक मैसेज को देना वो चाहते हैं जिसमें वो सफल ना हुए हैं ना होंगे। वो एक टाइपिकल एक गलती थी, एक हेडिंग गलत लिखा हुआ था और उस गलत हेडिंग के कारण से उसका रेफरेंस भी दूसरी जगह गलत आया था। उस हेडिंग को ठीक करके केवल उसका रेफरेंस बदला है, टेक्निकल। एक प्रजातांत्रिक देश है और इस देश में हर पॉलिटिकल पार्टी को
हर जत्थेबंदी को, हर संगठन को अपनी राजनीतिक विचारधारा को प्रोपोगेट करने के लिए एजिटेशन करने का अधिकार है, उसका हम सम्मान करते हैं। परंतु ये जो बिल है ये उनको रोकने के लिए नहीं है, ये बिल आंदोलनों के दौरान, प्रदर्शनों के दौरान जो लोगों की संपत्ति जलाई जाती है, सरकारी संपत्ति जलाई जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, उसकी रिकवरी के लिए ये हम बिल लाए हैं और इसका किसानों के आंदोलन से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि किसानों का आंदोलन 110 दिन से ज़्यादा हो गए, कहीं पर कोई पत्ता टूटने की भी खबर नहीं आई है कि उन्होंने कोई पत्ता तोड़ा हो, तो उससे कोई लेन देन नहीं है। ये तो हम काफ़ी लंबे समय से विचार कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी से आज हमने यही पूछा कि आपने मतदान इस पे करना है कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हैं या हिंसक आंदोलन के साथ हैं, आप आग लगाने वालों के साथ हैं या जिनकी आग लगी है उनके साथ हैं, आप बसें जलाने वालों का आप साथ हैं, रेलवे गाड़ियां जलाने वालों के आप साथ हैं, आपने इसका तय करना है। तो कांग्रेस ने बड़ी बेशर्मी से आज ये जो जनता की मांग थी कि वे आंदोलन हो, कोई नहीं मना करता, लेकिन हमारी संपत्तियां क्यों जलाई जाए, तो लोगों की मांग थी, हमने लोगों की मांग पर ये बिल पारित किया है, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी बेशर्मी से उसका विरोध किया है कि ये बिल पास ना हो, लेकिन बिल सदन में पास हो गया। सर, टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी बता दीजिए, आखिरकार किस चीज से रोकता है, किस चीज से नहीं रोकता है नया जो कानून बनने वाला है, क्योंकि पारित हो चुका है। नहीं, इसमें बकायदा ये जो बिल है ये रिकवरीज के लिए बिल है, अगर नुकसान होता है तो इसमें बकायदा ट्रिब्यूनल अपॉइंट किए जाएंगे और जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी कंसल्टेशन में ये ट्रिब्यूनल अपॉइंट किए जाएंगे, नोट बिलो दी रैंक ऑफ ADJ ट्रिब्यूनल अपॉइंट किए जाएंगे और वो आगे फिर सारी प्रक्रिया बनाएंगे, क्लेम कमिश्नर बनाएंगे और असेसमेंट करेंगे कि किसका कितना नुकसान हुआ है और बकायदा मौका देंगे, समनिंग करेंगे और उसके बाद वो अपना डिसीजन देंगे। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक